और हम देसी बच्चे अपने तरीके से यूज़ करते हैं हर चीज़। तो असल में यहाँ पे हम जो क्लास वाले थे, हम यहाँ पे वो टेनिस का बॉल नहीं होता, उसके साथ फुटबॉल खेलते रहे हैं यहाँ पे इस छोटे से ग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन लगवाने, तीसरा डोज बायोटेक का। तो मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक दो बायो वैक्सीनेशन लगवाने लगा हूँ, और साथ में जो दूसरी बात ये कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है जॉन से स्कूल में पढ़ता रहूँ उसके बिल्कुल साथ है। तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं जो अपना स्कूल है वो भी दिखाऊँगा। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 4 साल के बाद जा रहा हूँ अपने स्कूल की तरफ, और भाई भी बहुत खुश हैं क्योंकि वो तकरीबन 10 साल के बाद जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये रही पार्किंग, खाई है स्टेट पार्किंग। तो ये अभी मैं इस स्टेट के मिडल में खड़ा हूँ। ये काफ़ी बड़ी स्टेट है ये भी, यहाँ पे हमारी बहुत यादें रही हैं स्कूल की। तो ये है एंडो मार्केट, तो आज भी हमने ले लिया है नूडल्स और ये साथ में फिश बॉल है, नीचे कोक। तो बिलाल भाई, आज आपकी फीलिंग क्या है यहाँ पे आके? फीलिंग यही है कि बहुत कुछ वापस याद आ रहा है जो यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया दोस्तों के साथ। तो ये भी मैं आके खाना खाता होता था लंच टाइम, और हमेशा यही, अगर खाना घर से ना लेके आऊँ तो हमेशा यही एंड जो मार्केट है यहाँ पे जाके ये फिश बॉल, ये नूडल्स, ये साथ में फिश बॉल हैं और कोक हमेशा लेता था। ये साइड पक्का लेता था या अगर लंच टाइम या आफ्टर स्कूल पक्का। तो यही है, अभी वही दिमाग में सारा कुछ रिपीट हो रहा है कि जो हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। जैसे कि अभी ये पीछे भी एक जगह है यहाँ पे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे भी हम खेलते रहे हैं, यहाँ पे भी हम खेलते रहे फुटबॉल और टेनिस के बॉल नहीं होता छोटा सा ग्रीन वाला टेनिस बॉल, उसके साथ हम फुटबॉल खेलते रहे आपस में क्लास वाले। तो काफ़ी मज़ा आया है, वो टाइम बहुत मज़े कर रहे हैं। तो बीच में यही कि बाबा यादें आ रही हैं, तो अभी इंशाल्लाह आपको स्कूल वाले साइड पर जाऊंगा, वो भी दिखाता हूँ जो हमारा स्कूल था। तो अभी पहले खाते हैं जो इधर भी चलते हैं। तो मैं अभी काफ़ी टाइम के बाद ये वाली चॉपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, मैं सोचा आपको भी बताऊँ कैसे खाते हैं ये चॉपस्टिक के साथ। ईजियर, इतना मुश्किल नहीं है। ये होता है कि ये बस डंडियाँ हैं, जो असली वाली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मोटी सी होती है, वो पकड़ने में ईजी होती है। ये तो बस अभी इन्होंने नाम करके दे दिया है। यही होता है कि बस ऐसे ऐसे पकड़ लो, ये ऐसे करके डाल लो, ये आ गई बस, छिकी जाओ छिकी जाओ। कभी आपको दूसरी भी जो बड़ी वाली है असली चॉपस्टिक है ना, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। बस वो जैसे सांस लेते हैं उसके उसी तरह खींचते जाएं खींचते जाएं, ये स्टाइल है खाने का। यस, चलिए मैं आपको दूसरी भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये तो यहाँ डंडा सा पकड़ा दिया है, खा के इसके साथ खाओ। तो यहाँ पे हम लंच टाइम आके खाना खाते रहे इधर बैठ के। तो आज ये बंद है क्योंकि कोविड की वजह से ये बंद हुई पड़ी है जगह। साथ में एक और रीज़न है, ये यहाँ पे बूढ़े बैठे हैं सारे, यहाँ पे ये चेस वगैरह खेलते रहते हैं चाइनीज़ चेस। ये गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं उसकी वजह से बंद किया हुआ है, गैदरिंग ना हो पाए, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। और साथ ही उसके यहाँ पे ये छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है, तो हम दोस्त वगैरह यहाँ पर भी खेलते रहे हैं फुटबॉल वगैरह, ये टेनिस बॉल के साथ फुटबॉल खेलते रहे यहाँ पे। एक और जगह भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ चल के।
तो ये वाला जो है ये हमारा दूसरा ग्राउंड था। तो ये रहा हमारा स्कूल, हम अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से दिखा देता हूँ। तो ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, ये प्लेग्राउंड, यहाँ पे भी काफ़ी यादें रही हैं हमारी। अभी चलते हैं आगे। तो ये स्कूल के स्मार्ट बच्चे, ये बाहर उनके पोस्टर लगे होते हैं। तो इस साइड पे ये सर जो ये कलरफुल बिल्डिंग है, यहाँ पे तो क्लासेस वगैरह हैं। ये जो क्रीमी कलर वाली है, ये यहाँ पे हॉल है स्कूल का, हॉल जो बड़ा। रेनबो कलर। तो ये जो बाहर पोस्टर लगे हैं, ये स्मार्ट बच्चे जो हैं वो हैं, बीच में अपने देसी बच्चे भी हैं। तो ये रहा वॉलीबॉल नेट, इन्होंने उतारा हुआ है क्योंकि स्कूल बंद है। ये रनिंग सी ट्रैक बनाई हुई है। तो ये रहा हमारे स्कूल का नाम, द हांगकांग वेविंग बिल्स एसोसिएशन चू शेक लोन सेकेंडरी स्कूल। मैं तकरीबन 4 साल के बाद वापस आया हूँ स्कूल के पास। तो मैं सोचा कि अंदर जाऊँ, पर ये कि अंदर नहीं जा पाया क्योंकि स्कूल कोविड की वजह से बंद है एक तो, और साथ में टीचर वगैरह भी नहीं आए, तो उसकी वजह से फिर अंदर नहीं जा सकता। तो सिर्फ ये कि एक गाड़ी बैठा हुआ है बाहर, पर कोई ना, देख लिया वही बड़ी बात है। मैंने शुक्र किया कि इन्होंने कलर चेंज किया है, जो पीछे ये पहले वाइट होता था, इन्होंने बस क्रीमी कर दिया है। सिर्फ एक ही चीज़ चेंज की है इतने टाइम के बाद भी। तो आज का जो मेन रीज़न है जो हम इधर आए हैं, मैं और मेरा भाई आज लगवाने जा रहे हैं तीसरा इंजेक्शन कोविड का। तो ये रहा हमारा स्कूल, तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं इधर ये रहा कलम बे स्पोर्ट सेंटर, यहाँ पे टीके लगा रहे हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं। हमारी 4:30 बजी है, अभी 4 बजे में लगा रहे हैं, अभी अभी टाइम हुआ है 4:04 हुए हैं, तो अभी 26 मिनट पड़े हैं। तो अभी हमारे पास तकरीबन 25 मिनट हैं, 25 मिनट के बाद हमारी बारी आ जाएगी। तो भाई आप रेडी हैं? नहीं मैं नहीं रेडी, मैं नहीं लगवाना किया मेरा डर लगना, सारे आना बंदा मानता हो जाना ना, गल नहीं डर लगना, अगे भी दो लाई चुके हैं अंतरी है, एक कहनी तक गल और ये भी है, असं क्या है, असं पाकिस्तानी बंदे हैं, ये पाकिस्तानी मिट्टी है। जी बिलाल भाई, तो इंजेक्शन लग गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह लग गया इंजेक्शन। तो ये रहा स्टिकर उसका। तो क्या फीलिंग है? तो अभी तक तो कोई फील नहीं हो रहा, टीका इधर लगवाया अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो ये रही डॉक्यूमेंट वगैरह जो आज हमें दिए उन्होंने, तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने 3 डोज लगा लिए हैं, बायोटेक के 3 डोज लगा लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया काम। तो अभी यही होप कर रहा हूँ कि और डोज वगैरह ना आए, पहले 2 का बोला था, अभी तीसरा भी आ गया है, अभी अल्लाह करे अगला ना ही आए तो अच्छा है, ये बस ये कोरोना चला जाए। तो ये कि कोई फीलिंग नहीं है, बस ये कि आप भी जाएं और लगाएं, इजी है। लास्ट टाइम जो लास्ट पिछले 2 लगाए हैं उतना भी बंदे बोल रहे थे कि ये बंदा बीमार होता है कुछ होता है, पर लास्ट टाइम भी कुछ नहीं हुआ, तो इस बार भी अल्लाह करे करेंगे कि कुछ नहीं होगा, और आप भी जाएँ, आप भी लगाएँ। हैप्पी बर्थडे न्यू इंजेक्शन। चलें बिलाल भाई, मिलते हैं। Bye bye.
ये रहा वाटर फाउंटेन। और बिलाल भाई इधर आपका स्विमिंग का क्या हाल है? ये तो कोई मसला नहीं है, पर ये जो मैं कल अंदर गया तो ये जो गार्ड घूम रहे ना ये नहीं छोड़ेंगे मुझे, पीछे पड़ जाएंगे मेरे। मेरा आना डूबी ना जाएंगे उधर, पानी है ही बड़ा डूंगा। कोई ना ये भी गल है, उधर सर्दी भी है। पानी तकरीबन होगा तो नहीं, पानी नहीं वैक्सीनेटेड हो गया एक फीट। हाँ पानी भी वैक्सीनेटेड हो जाएगा, ऐसी भी टीका लगाया हुआ है। तो वैक्सीनेशन लगा के तकरीबन हमें हो गए 6 घंटे, तो अभी तक कोई फील नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ जैसे ही इंटर हुआ तो वहाँ सामने पोस्टर में लिखा ही हुआ था कि यहाँ पे नो फोटोग्राफी, तो इस वजह से वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाया। तो अभी तकरीबन 6 घंटे हुए हैं तो मुझे अभी तक कुछ फील भी नहीं हो रहा, ना कोई थकावट ना कुछ भी अभी तक मुझे फील नहीं हुआ। तो मैं तो अभी तक रिलैक्स हूँ, क्या पता अभी कल को शुरू हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी लगाया था तब भी पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन बाजू में दर्द होना शुरू हुआ था, तो अब तक बाजू में भी दर्द नहीं है। तो देखते हैं कल को क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अभी भाई से पूछते हैं कि उनको क्या फीलिंग हो रही है वैक्सीनेशन के बाद। ओवरऑल तो ठीक ही हूँ, पर जस्ट फील हो रहा है कि जैसे थका हूँ, पर बाकी ठीक है। मुझे लगता है कि बिलाल भाई से मेरी थोड़ी एज ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, पर ये बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर ने भी लगवाया, वो भी बोल रही है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाकी अभी देखते हैं, कल इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।